विनायक बिल्डर्स में आपका स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं हूँ कालवण रोड हातोज में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो चिरायू हॉस्पिटल के सामने की तरफ हूँ मैं। और यहाँ पर अगर मेन रोड से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर अंदर हूँ। और यहाँ पर आपके लिए लेकर आए एक शानदार डुप्लेक्स विला। सामने देख सकते हैं आप, तीन विलाज हैं जो कि फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, कलर पेंट का काम चल रहा है। अगर आप इसी कंडीशन में बुक कराते हैं तो आपके पास चॉइस होती है, अपने अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कलर करवा सकते हैं, कलर की चॉइस रहेगी। इसी के साथ में तीन विला है ये, तो आप देख सकते हैं मेन रोड से अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर के अंदर आपको यहाँ पर ये शानदार तीन डुप्लेक्स विला मिलने जा रहे हैं, जो कि अगर हम फेसिंग की बात करें तो वेस्ट फेसिंग मकान है। और वहीं पे अगर मैं कीमत की, सबसे पहले कीमत बता देता हूं मैं, ये तीन विला है जिनके अंदर आप देख सकते हैं ये दोनों विला है वो 38 लाख। वहीं पे अगर इस विला की बात करें 2 लाख, तो अब इनमें क्या डिफरेंस रहेगा वो बताते हैं, पूरे वीडियो में बने रहे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और यहाँ अगर मैं अमेनिटीज की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर रेडियस में आपको सारी अमेनिटीज मिलेगी, स्कूल, मॉल, मार्केट, हॉस्पिटल, बाजार, सारी अमेनिटीज आपको यहाँ मिलने वाली है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये 30 फीट रोड है, और इसी के साथ आसपास की लोकेशन देख सकते हो आप, रिहायशी कॉलोनी है, सारे मकान वगैरह सब बने हुए हैं। और इसी के अंदर सबसे पहले मैं विजिट कराता हूँ इस मकान को, यहाँ देख सकते हैं ये रैंप है, और इसी के साथ में आपको 20 के फ्रंट के अंदर एक बड़ी सी पार्किंग मिल रही है। यहाँ पर आपको यहाँ देख सकते हैं 20 के फ्रंट के अंदर एक शानदार पार्किंग है जहाँ आप अपनी आराम से 2 गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर इस मकान से मेजरमेंट की बात करें तो 74 स्क्वायर यार्ड में है ये, 20 के फ्रंट में 20x34 साइज है इसका, वेस्ट फेसिंग मकान है, वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं 8000 लीटर कैपेसिटी का पानी का टैंक है, और सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर मीटर बॉक्स लगेगा, ऊपर की तरफ पीओपी में डिजाइन है, और यहाँ कलर कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ काम चल रहा है, कलर का फिनिशिंग टच चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं बाहर से जीना है, और जैसे हमने एंटर किया तो आपको मिलता है एक बड़ी है, और सामने मिलती है आपको ओपन किचन, वुडन डिजाइन है जो साथ में आपको मिलती है किचन, मॉड्यूलर किचन है, पूरा फर्नीचर वगैरह सब बना करके आपको दिया गया है। सामने की तरफ किचन का स्पेस ऑलरेडी दिया के लिए। यहाँ देख सकते हैं एलसीडी पैनल है, और इसी के साथ ही सामने बाथरूम, यहाँ देख सकते हैं बाथरूम है, और इस जगह यहाँ पर लगेगा आपको वॉशरूम। साथ में अभी मैं ले सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बेडरूम, और यहाँ लाइट वगैरह नहीं है, दिन की रोशनी है। यहाँ देख सकते हैं ये वार्डरोब है जो कि होटल के अंदर आप बना करके दिया गया है। इसी के साथ में ये आपको ड्रेसिंग टेबल दी गई है यहाँ पर, और सामने की तरफ देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए डक्ट छोड़ा हुआ है। तो ये था नीचे का ग्राउंड फ्लोर जिसके अंदर 1 BHK पूरा स्पेस है। अभी मैं लेकर चलता हूँ ऊपर, और वहां 2 BHK आपको अलग से मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं 1 BHK नीचे का है, और आप अगर दो परिवार हैं तो दोनों रह सकते हैं, या फिर रेंटल इनकम के हिसाब से भी। जैसे हमने ऊपर आए तो ऊपर देख सकते हैं, फिर वापस वही सेम हॉल आ गया। हॉल के अंदर आपको ओपन किचन मिलती है, यहाँ देख सकते हैं किचन है, मॉड्यूलर किचन है, पूरा फर्नीचर वगैरह सब लगा के दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर वॉश स्पेस है, और ये है टॉयलेट बाथरूम। इसी के साथ में ये है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में थोड़ा फर्नीचर वगैरह सब लगा करके आपको दिया गया है, और सामने की तरफ देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए एक दर्द छोड़ा हुआ है।
और अभी भी लेकर चलता हूँ आपको फ्रंट साइड बेडरूम के लिए। यहाँ देख सकते हैं आपको फ्रंट साइड बेडरूम है, रूम काफी बड़े बड़े हैं क्योंकि 20 के फ्रंट में मकान है, काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। और यहाँ देख सकते हैं बड़ी सी बालकनी, सामने की तरफ देख सकते हैं बड़ी सी बालकनी, आसपास लोकेशन देख सकते हैं, सारे मकान बने हुए हैं। तो ये था मकान जो कि 74 स्क्वायर यार्ड के अंदर है और 20 के फ्रंट में है। और इसी के साथ में अभी मैं लेकर चलता हूँ छत से, और छत से आपको मेन यहाँ से आपको छत पे और छत के आसपास की लोकेशन देख सकते हैं, सारे मकान रिहायशी कॉलोनी सारी बसी हुई है आसपास लोकेशन। और सामने की तरफ अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेन रोड सामने दिखाई दे जाएगी, इस तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ सामने की तरफ वो चिरायु हॉस्पिटल सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है मकान जो कि 74 स्क्वायर यार्ड के अंदर है, लोनेबल प्रॉपर्टी है और मेन रोड से एडजॉइंट है, रिहायशी कॉलोनी है। अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसी तरह का कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा क्योंकि 20 के फ्रंट में बहुत कम मिलते हैं। अभी आपको दो बगल वाले मकान दिखाए गए थे 38-38 लाख के, उनका फ्रंट 14.5 का है और इसका 20 का फ्रंट है। तो 20 के फ्रंट के अंदर ये शानदार मकान है। अगर कीमत की बात करें तो मात्र 52 लाख रुपीज के अंदर ये नेगोशिएबल है, दीपावली ऑफर पे है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके साइट विजिट के लिए तुरंत चले आइए। ऐसे और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर डिस्टेंस वाइज बात करें, हम रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहीं पे अगर हाथों झोटवाड़ा से बात करें हम तो झोटवाड़ा से 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर ऐसी ही और भी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सभी को इसका चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।